सो फाइनली इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। कामिनी जी का 1 घंटा पहले वीडियो आ गया है। मैंने हालांकि थोड़ा लेट देखा क्योंकि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे इस टाइम नहीं थी। चलिए मैंने देखा वीडियो और बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर। जो हम लोग इतने टाइम से सोच रहे थे कि क्या हुआ, धनुआ की तबीयत कैसी है, हालांकि वो कम्युनिटी के थ्रू अपडेट दे रही थी कि जैसे जैसे मैं दवाई देती हूँ है ना, ठीक हो जाता है लेकिन फिर चढ़ जाता है फीवर। तो आज का वीडियो आया और आज की वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस का भी आंसर जो कुछ लोगों के दिमाग में था कि दादी बाबा नहीं है, दादी बाबा इनके साथ क्यों नहीं है, तो आज सारे प्रश्नों का आंसर आज की वीडियो में मिल गया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए, कामिनी जी का वीडियो पे मैं बात करूँ, उससे स्टार्ट करूँ, उससे पहले काफ़ी चीज़ें मेरे पास भी आई हैं जो लोगों ने बोला है कि आप प्लीज़ कामिनी दीदी तक ये मैसेज पहुँचाइए। तो कामिनी जी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ देखिए। ऑफकोर्स हर माँ को पता होता है, और मैं भी एक मदर हूँ, वो भी एक मदर है, हर माँ को अपने बच्चे का पता होता है। लेकिन कई बार आदमी, क्योंकि ठीक है यार, रोज़ का रूटीन होता है, कुछ चीज़ें हम लोग मतलब कहते हैं ना, जानबूझ के गलतियाँ नहीं हो जाती लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि गर्मी का टाइम है, जब आप बच्चे को स्कूल से लाते हो तो आते ही कुछ जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या फ्रिज से, वो धनुआ को कई बार लोगों ने देखा है कि कुछ निकाल के वो ड्रिंक करने लगते हैं, तो आते ही मत ऐसा ठंडा कुछ दो उसको, थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा नॉर्मल बाहर निकाल के रख दो, फिर उसको पीने के लिए आप कुछ भी देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला है। बाकी यस, वैसे तो समझदार है, मदर है, क्या बोलने का, मुझे नहीं लगता कि उनको क्या बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्योंकि एक आई थी, लोगों ने बोला था कि आप प्लीज़ स्वाति अपने वीडियो के थ्रू ये मैसेज कन्वे करिएगा, तो मैंने सोचा चलिए करते हैं कन्वे। तो आज बड़ा थंबनेल में दादी दादी भी दिखी, उसकी जो धनुआ की दादी है ना, और बाबा भी दिखे जब वो दवाई नहीं पी रहा था। देखिए, यूजुअली बच्चा बीमार है, आई थिंक वायरल है, और वायरल में थोड़ा टाइम लगता ही है, फीवर बहुत तेज़ आता है, थोड़ी देर के लिए दवाई दो तो ठीक हो जाता है, फिर चढ़ जाता है, तो आई थिंक इनको वायरल ही हुआ है। बाकी यस, जिस तरह से आज हमने दादी का भी प्यार देखा, धनवी का भी प्यार देखा अपने भाई के लिए, बहुत अच्छा लगा। इनका टाइटल है, वीडियो की बात करूंगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं जरूर मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा। तो टाइटल है, धनु का दादी के लिए प्यार, माँ बाप के संस्कारों का असर जानकर आपको रोना आ जाएगा। सबने आज बहुत तारीफ करी, एक बहू का अपनी फैमिली को प्यार दिखाने का बेस्ट तरीका, ये व्लॉग देखकर रोना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में काफ़ी लोग, जैसे पिछली बार भी लोग कह रहे थे कि धनुआ को नज़र लगी है, तो आज नज़र की बात बिल्कुल करी गई है। जैसे काफ़ी टाइम से धनुआ वीडियोस में दिख रहा था, शॉर्ट्स में दिख रहा था, और जो रील्स वगैरह बनती है उसमें भी दिख रहा था, इनफैक्ट लाइव में भी लोगों ने कई बार बच्चे को बोला, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड देखता है तो बच्चों को नज़र लग जाती है, और कहीं ना कहीं इनकी दादी का और इनकी मदर का ये भी आज यही कह रही थी कि जैसे पार्ले जी वाला बच्चा, हम लोग भी सब ऐसे कर रहे थे, तो मेरे को मम्मी मैंने भी कई बार ऐसे डांटा है कि तुम, जब एक माँ बहुत बच्चे की तारीफ करती है तो उसको सबसे ज़्यादा प्यार भी देखिए माँ ही करती, तो नज़र लग जाती है। तो इसी चक्कर में लोग भी कई दिनों से कह रहे थे कि गोलू मोलू, तो इसको नज़र लग गई है, नज़र वगैरह उतार दी होगी मेरे ख्याल से, और लोग भी कह रहे हैं आज अभी भी कॉमेंट में काफ़ी यही कहा गया है कि आप प्लीज़ उसकी नज़र उतार दीजिए। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग, इन्होंने कम्युनिटी पे लगाया था, वही सब इन्होंने आज बताया है कि रात को हम लोग 3 बजे सोए, ठीक है, बच्चा बहुत मुश्किल से, देखिए जब बच्चा परेशान होता है तो पेरेंट्स को भी नींद नहीं आती, पेरेंट्स बस यही सोचते हैं कि बच्चे को किसी तरह हम लोग कंफर्ट कर दें, वो सो जाए, उस पर दवाई का असर हो जाए। सुबह 6 बजे ये बता रही थी कि हाँ, इसको वॉमिट हुआ, वॉमिट की दवाई दी, हाई फीवर था, ठीक है, और फिर मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ स्पेशल, क्योंकि संडे का दिन है, फैमिली होती है, कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ और क्लियर करती हूँ कि मैंने निकी का अभी आज कोई वीडियो नहीं आया, हालांकि उनका एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये चीज़ अपडेट करी है कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके हेल्थ इशूज़ की वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही है। तो हम लोग प्रे करते हैं जो भी उनका हेल्थ इशू है, ठीक हो जाए समय के साथ, और सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब, यहाँ धनुआ की, तो फैमिली में चीज़ें कहते हैं ना कि इफेक्ट पड़ता है, लोगों पे भी पड़ता है। तो यहाँ पे आज इस टाइम मैंने जितना देखा, कामिनी जी पे काम का भी काफ़ी बर्डन दिख रहा था, जिस तरह से किचन मैनेज कर रही थी, सासू माँ भी डेफिनेटली हेल्प कर रही थी। तो इन्होंने यही बोला कि पहले मैंने सोचा था, विकास को मैंने रोका था कि मैं तुम्हें कुछ स्पेशल संडे को बना के खिलाऊंगी, राइट, लेकिन जब इसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई तो मुझे लग रहा था नहीं बना पाऊंगी, हालांकि फिर बाद में जब थोड़ा सा उसका फीवर कम हुआ
तब इनको थोड़ा ठीक लगा, और जब लगता है ना कि माँ को कि हाँ चलो अब बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैं फिर से कुछ बनाती हूँ, तो इन्होंने पनीर काठी रोल आज बनाया। हालांकि प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शूट करी है, लेकिन ये शॉर्ट्स में, क्योंकि ये दोनों देवरानी जेठानी दिखाती हैं, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट्स में ये ज़रूर पनीर काठी रोल देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने अपने देवर को टेस्ट भी कराया, तो उसने कुछ इस तरह से एक्टिंग करी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी बीच अच्छा इसी सीन को शूट कर रही थी रवीना, अब पीछे से जो निकी है उनका शायद देखिए क्योंकि दो व्लॉगर्स हैं, अब रवीना कैमरा पर्सन होती है, वहाँ भी शूट करना होता है, यहाँ भी शूट करना होता है, तो मैं तो कहती हूँ कि रवीना के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। कई बार ये बर्तन धोते हुए भी दिखती हैं, कैमरा भी होल्ड करती हैं, वीडियोज़ वगैरह भी बनाती हैं, तो रवीना बहुत स्वीट है। तो निकी कुछ इस तरह से बोल रही थी देवरानी जी कि एट अ टाइम एक काम किया करो, ठीक है, तो इसने बड़े प्यार से बोल दिया कि हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है कि यस आप लोगों की फैमिली मेम्बर की तरह ही है, तो बिल्कुल उसके साथ प्यार से रिस्पेक्टफुली बिहेव होना चाहिए, है ना। और मुझे नहीं पता किस टोन में बात करी थी, लेकिन काफ़ी कमेंट सेक्शन में लोगों का ये कहना है, लोगों ने कई इस चीज़ पे बात करी है कि देखो सामने तो आप इतने अच्छे से बात करते हो, पीछे इस तरह से, तो मुझे उसकी हाई पिच तो नहीं लगी। देखिए वो कुछ कहना चाह रही थी उसने वही अपनी बात, लेकिन इनके वीडियो में वो रिकॉर्ड हो गई बात, राइट, कि एट अ टाइम एक ही काम किया करो, है ना। तो रवीना भी ने भी बड़े अच्छे से आंसर दिया ठीक है। और कई बार मेरे पास भी कमेंट आया है कि इतनी छोटी सी बच्ची को इन्होंने रखा हुआ है, कई लोग कहते थे इसकी पढ़ाई पे, तो मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे जो इनके हस्बैंड है सुमित, वो उसको कुछ पढ़ा रहे थे, तो वो पढ़ाई का स्टार्टिंग का थोड़ा सा ही दिखाया, तो मुझे ये लगता है कि यस बिल्कुल बच्चे को, अब मुझे इनकी एज नहीं पता क्या एज है, पढ़ाई रवीना को करानी चाहिए, इनका उसका स्कूल में भी एडमिशन कराना चाहिए, ठीक है, बाकी इनका अपना मर्जी है, इनकी फैमिली है, हम लोग इनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन यस क्योंकि मैंने देखा है रवीना बहुत कुछ करती है, इनकी वीडियोस, सोचिए कैमरा पर्सन प्रॉपर बनना है ना उसके साथ, और दोनों का बिहेवियर फैमिली मेंबर्स की तरह ही रखते हैं, इसके साथ अच्छे से रहते हैं, और निकी का भी हमने देखा है वो मोस्टली जब जितना भी वीडियोस में देखा है वो प्यार से ही रहती है, अब ये किस उसमें बात की गई है ना, तो मुझे लगा कि नहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा था ये इन्होंने जिस तरह से पीछे से आवाज़ लगाई रवीना को, है ना, तो वो खैर ये लोग ही जानते हैं बेटर कि क्या उस टाइम क्या चीज़ें चल रही थी, है ना, जिस तरह से बोला कि एट अ टाइम एक ही काम किया करो, हो सकता है उन्होंने उस कुछ काम निकी ने भी बोल रखा हो रवीना को, तो बिल्कुल हमें रवीना की एज नहीं पता, छोटी है बच्ची है या फिर बड़ी है ना, बस हम ये कहेंगे कि हम लोग यहाँ पे यही मैसेज कन्वे करते हैं कि जो हाउस हेल्पर्स होती है उनको भी बहुत प्यार से ट्रीट करिए, है ना, चाहे वो आपके घर में है जितनी देर भी रहती है, इंसान की कदर होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसके साथ इस तरह सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए प्यार से कर रहे हैं और पीछे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, राइट। तो ये मैं कुछ जो कमेंट सेक्शन आए ना उनके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, और मेरा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी उतना ही प्यार वो भी डिज़र्व करती है, उतना ही रिस्पेक्ट वो भी डिज़र्व करती है, क्योंकि वो, और मुझे लगता है कुछ उसका रिस्पेक्टेबल सैलरी भी ये लोग देते ही होंगे डेफिनेटली, है ना। और इसी बीच इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करी है, जिस तरह वो दवाई नहीं पी रहा था, दादी के पास आज दादी की भी केयर करते हुए दिखी हैं, जिस तरह से पिछले वीडियोस में कुछ कमेंट्स थे कि दादी कोई हॉस्पिटल नहीं गया फैमिली मेंबर और दादी नहीं दिख रही हैं, है ना, धनुआ की, तो उसमें भी दादी दिखी हैं आज वीडियो में, और दवाई पिलाते टाइम देखिए बच्चे थोड़ा बार बार जब वॉमिट आती है और डिहाइड्रेशन भी हो रखा है ना, तो बच्चों को दवाई का वो मन नहीं करता है, बच्चे बहुत मतलब रोने लगते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो वही सब सीन था जब धनवी भी ट्राई कर रही थी दादी के पास, तो कामिनी जी धनुआ को दवाई पिलाते हुए दिख रही थी लेकिन धनुआ ने नहीं पी, तो फिर लास्ट में उन्होंने वो कर दिया। अच्छा जिस तरह से काठी रोल वगैरह सबको खिलाया, सबको सारे घर को कह रही थी गरम गरम मैं बना के खिलाऊंगी, पापा जी पूजा करके आ रहे हैं वो नहीं खाते हैं, यूजुअली जो पापा लोग हैं उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इनफैक्ट मेरे फादर भी हर चीज़ ट्राई नहीं करते हैं, तो फिर उनके लिए उन्होंने दही चूरा गुड़ डाल के उनको खिलाया, और अच्छा लगा कि बच्चे की भी देखिए तबीयत ठीक नहीं है, वो मेंटली टेंशन भी है, प्लस घर भी देखना है, मैनेज करना है, हर चीज़ अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है। तो उसके बाद एक जो चीज़ इन्होंने बोला है दादी का प्यार, जो इन्होंने टाइटल डाला है उस पर मैं बात कर लेती हूँ कि धन्नू का दादी के लिए प्यार, तो एक सीन में दादी से ही बात कराते हुए इन्होंने दिखाया कामिनी जी ने कि धनुआ मुझसे इस तरह बोल रहा था, उसको सुबह उठा रहे थे कि उठ जाओ कि क्या कह रहा था, तो ये दादी ने बोला कि कह रहा था कि अगर मैं अपना बुखार आपको दे दूंगा तो आप बीमार हो जाओगी, आप बीमार हो जाओगी तो मुझको कौन देखेगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो ये बहुत मतलब एक समझदार, जो कहते हैं ना कि समझदार बच्चा है धनुआ,
तो अच्छा लगा उसका अटैचमेंट। और मैंने जैसे बोला है, जितना मैंने वीडियोस में देखा है, दादी बाबा का प्यार दोनों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है। बाबा भी दिख रहे थे आज वीडियो में, जिस तरह से वो दवाई नहीं पी रहा था तो वो भी आए थे, बड़े प्यार से बोल रहे थे कि दवाई पी लो। और फिर यही सब इन्होंने दिखाया है, और ऊपर आके इन्होंने फिर यही सब चीज़ें डिस्कस करी हैं कि घड़ा वगैरह मंगाया गया है दही जमाने के लिए, एक मिट्टी का बर्तन की दही इनको, मेरे हस्बैंड को घर की खानी है। और ऊपर भी घड़े का पानी हम लोग पियेंगे, और मुझे लगता है इस टाइम पानी पीते रहिए। काफ़ी लोगों ने इनके कमेंट में ये भी लिखा है कि बच्चे कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो कुछ अलार्म सेट करके, है ना, कुछ वॉच ऐसी आती है कि उस टाइम वॉच में भी, जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेज है उसमें भी रिमाइंडर्स लगाइए कि हाँ आपको हर एक घंटे में या हर आधे घंटे में आपको पानी पीना है, ऐसा कुछ उसमें मेंशन था कि आप इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। इनफैक्ट बच्चे भी क्यों, बड़े भी, पानी का इंटेक काफ़ी कम हो गया है। खैर ये सब ये दिखाया है, और हम प्रे करते हैं कि इनका धनुआ की तबीयत ठीक हो जाए, धनुआ जैसा बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाए। और कुछ मैं कॉमेंट्स लेना चाहूँगी, ठीक है, जहाँ लोगों ने इनको बोला है, इन्होंने कॉमेंट पिन किया है, चाहे कोई भी कितना भी दिखावा कर ले पर जिनका जो नेचर एंड बिहेवियर जैसा रहता है ना वो सब दिखता है। और कामिनी का मुझे नेचर बिहेवियर सब बहुत ही अच्छा लगता है। कामिनी इज़ अ प्योर हार्टेड पर्सन इन रील एंड रियल। कुछ लोगों ने ये कहा है कि आप प्लीज़ धन्नू को सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखाइए, थोड़ा सा हेल्थ ठीक हुआ था, क्यूट लगने लगा था। कुछ लोगों ने देख लो मैडम का रूडनेस, एक बात तो है इंसान कितना भी दिखावा कर ले अच्छा बनने का, लेकिन उसका असलियत पता चल ही जाता है, वैसे तो वो शक्ल से ही। अब ये सब चीज़ें बोली गई हैं, मैडम को न्यू पॉइंट मिल गया आएंगी, कि ये शायद निकी के लिए बोला जा रहा है कि निकी ने जो पीछे से बोला था कि एट अ टाइम एक ही काम किया करो, तो देखिए कितनी, मुझे नहीं लगता कि उसने बहुत रूडली बोला है, ठीक है, किस टोन में बोला है उसने, एक बात कन्वे करी है। लेकिन लोगों का, मैंने कई कमेंट्स पढ़े, लोग नीचे लिख रहे हैं कि यस सही कहा डियर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से रवीना को नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोगों को टोन निकी का शायद अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि एक कमेंट नहीं है, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे आपकी वीडियो का, धन्नू का तबीयत ठीक है, धन्नू के लिए ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। और अपने व्लॉग में कितना प्यार दिखाती है रवीना को, और इनका व्लॉग शूट हो रहा है तो मैडम को गुस्सा आ गया, चिल्ला रही है। देखिए वो चिल्ला नहीं रही थी, अब यहाँ पे ये भी एकदम से बोल देना कि वो चिल्ला के बोल रही है, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि रवीना एट अ टाइम एक काम किया करो, उनका कहने का मतलब था शायद उनका भी कुछ, उन्होंने कुछ काम बोला हो। लेकिन यहाँ से अब रवीना यहाँ पे भी वीडियो देखिए, उसकी भी प्रॉब्लम समझिए भाई, उसको तो दोनों के ही कैमरे होल्ड करने हैं, है ना, तो थोड़ा सा सबर के साथ, प्यार के साथ मैनेज हो सकती है चीज़ें, तो बिल्कुल करनी चाहिए। सब लिख रहे निकी बी पोलाइट फॉर रवीना, अपने व्लॉग में बहुत प्यार बनती हो, तुम खुद टॉपिक देती हो पब्लिक को, फिर उस पर तुम व्लॉग, तुम्हें तुम्हारा कॉन्टेंट मिल जाता है। काफ़ी कमेंट्स हैं भाई इस चीज़ पर। कुछ लिख रहे हैं कि मानना पड़ेगा आपको कामिनी जी, आपके सासू माँ ने आपको क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने सब कुछ भुलाकर उनके साथ इतना अच्छा रिश्ता बना लिया, फिर से उनसे रिलेशन अच्छा रखिए क्योंकि वो बहुत स्वीट है, बस चकाचौंध देख के थोड़ा मन बिछल गया उनका, बाकी आई रिस्पेक्ट हर। आंटी जी वीडियो में आ रही हैं, देख के अच्छा लगा, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं निकी की टोन कितनी ख़राब है, कैमरे के सामने अच्छा बनती है बट दिखावा करती है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने ये ज़रूर सुना, लेकिन मैं यहाँ पे टोन पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि कई बार वीडियो में मैंने जितना सुना मुझे वो बहुत रूड टोन तो नहीं लगी, लेकिन काफ़ी लोगों को लग रही है, लोग लिख रहे हैं, तो अब डेफिनेटली है ना, एक कमेंट नहीं है, काफ़ी कमेंट आए हैं कि उनकी टोन मुझे सही नहीं लग रही। निकी दी किसे बोल रही हैं, रवीना को एक टाइम पे एक ही काम करो, कैसी औरत है यार ये, तो काफ़ी लोगों को बुरा लगा यहाँ पे, निकी कैसी आवाज़ दी रवीना को, एक टाइम एक ही काम किया करो, मैडम की वॉइस टोन तो सुनो रवीना के लिए, ऑफ कैमरा रियल कैरेक्टर। तो आज का वीडियो यही है, बाकी यस हम प्रे करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, और हो सकता है देखिए निकी ने नॉर्मल वे में ही बोला हो, लेकिन यस लोगों को उनका टोन सही नहीं लग रहा है। देखिए उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जैसे उन्होंने आज शॉर्ट बनाया उसमें भी अपडेट किया है, तो जब वहाँ पे उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे धनुआ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब इंसान बीमार होता है तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे बड़े, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा बोल दिया हो। और अगर वाकई रूड टोन में बोला है तो ये गलत है,
ठीक है, जो लोग भी कह रहे हैं कि रूड है टोन जिस तरह से बोला गया रवीना को, मैं तो यहाँ पे यही कहती हूँ कि जितने भी हाउस हेल्पर्स होते हैं या जितने भी हमें इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से 24 आवर्स यहीं पे स्टे भी करती हैं, तो बहुत एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हमने जितना देखा है वो स्माइल करते हुए आती हैं, और आज से नहीं बहुत टाइम से है इनका, तो रिस्पेक्ट बिल्कुल देना चाहिए। आप ये मत समझिए कि हमारे घर में ये हाउस हेल्पर की तरह हैं या फिर ऐसे हैं, रिस्पेक्ट वो भी डिजर्व करती हैं बिल्कुल, है ना, वो भी इंसान है यार, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और किसी के लिए हेट नहीं, मैंने एक नॉर्मल वे में अपना रिएक्शन दिया है, और आई होप आपको जल्दी से धनु भी ठीक हो जाए, वहाँ पे निकी की भी तबीयत ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।